इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुम भी यार कितना सोचती हो, कितना ओवरथिंक करती हो। तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी लड़की तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। समवन वेरी स्पेशल। एक बात बोलूं? जी। आई डोंट लव यू। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। Because my heart only beats for Prita ji. I love her and I love her very much. Mom, Dad ne special pindai banayi aapke liye. Shyam ji, beta tum piyo. Mom, aap ye piyo. Aap itna hi keh rahe ho to Shyam tum mera glass le lo. Lo, piyo. Thank you. Enjoy. पृथ्वी जी, आप ठीक तो है ना? प्रीता जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। ऋषभ, प्लीज आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। ये शादी होगी, हर हाल में होगी। 15 दिनों में ये शादी होगी। नहीं करनी मुझे ऋषभ जी से शादी, नहीं करनी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। तुम प्रेग्नेंट हो। चाहे तुम कितना चिल्ला चिल्ला कर ये बात मुझे कहो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। सारी प्लानिंग तुम्हारी थी ना? बिकॉज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि तुम ऋषभ के साथ उस हालत में बेड पे लेटी हुई हो और उसी वक्त सारी फैमिली वहां पर आ जाए। किसके साथ मिलकर तुमने ये प्लानिंग की है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ? करण से उपरी था दी। 14 दिन, 14 दिन में ऋषभ जी की बलि चढ़ जाएगी शादी के नाम पे। सबकी हाँ हो गई है। वो ऋषभ से शादी कर रही है और भाई को शादी से कोई नहीं बचा सकता। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? अभी शादी हुई नहीं है। मुझे धक्का मार के उसने कहा था कि साबित करके दिखाओ, तो अब मैं साबित करके दिखाऊंगी, वो भी 12 दिनों के अंदर। 12 दिनों में उस शर्मिन का सच सारे परिवार के सामने ला करूंगी। तो उसने मुझे ये पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि अगर मैंने किसी को जाकर बोल भी दिया तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा। इसका मतलब वो मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रही थी कि अगर मैं फैमिली को बताने वाली भी होंगी तो मैं नहीं बताऊंगी। गिरीश कहाँ है? दरवाजा क्यों नहीं खुलता? इतनी रात को कौन आ गया? ये मुझे क्या हो रहा है? ये अजीब सा। क्या तू जानती है उसके खूनी को? मैं उसे जानती भी और उसका खून भी करना चाहती हूँ। थोड़े पैसों का इंतजाम कर सकती है? मैं तेरी मदद कर सकती हूँ यहाँ से भागने में। तुम तो रंग से बेरंग हो गए। अब जब तक तुम इसमें पानी लाओगे, रंग भरोगे, मैं यहाँ से झूमंतर हो जाऊंगी और फिर कोई रंग नहीं चढ़ेगा तुम्हारा मुझ पे। कितने महीने का हो गया?
क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्यों होता है? क्योंकि कोई देखता है तो देख ले, ये शादी तो होकर रहेगी। मेरी होली तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं प्रीता जी को अपने रंग में रंग नहीं देता। मैं जानती हूँ बेबी तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोचते रह जाओगे, आज ही मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। तुम्हारी वो सो कॉल्ड प्रीता, उसे उसकी असली औकात दिखाऊंगी। उसने जो अपनी लवी डवी इमेज बना रखी है ना, उसे फुल डैमेज कर दूंगी, क्योंकि वो इमेज सिर्फ मेरी होनी चाहिए। इस घर की फेवरेट मेंबर की इमेज मेरी होनी चाहिए, सबका ख्याल रखने वाली, सबकी केयर करने वाली, एक अच्छी होने वाली बहू की इमेज। अब कौन सा षड्यंत्र रच रही है? मन ही मन में कौन सा तीर चला रही है? खुशी का मौका ये जी। हाँ शहनाई मत बजाइए। क्यों ना बजाऊं आज तो मेरी शादी आपके साथ। हाँ हाँ, तो हमने डांसर बुलाया ना, हम तुमका काम करने तो आप शहनाई बाद में बताना। हम लोग डांस करेंगे फिर हमारी शादी होगी। प्रीता जी, आ रहा हूं मैं आपको अपने रंग में रंग में। हाय प्रीता जी। प्रीता जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप आइए ना मेरे साथ एक बार। प्रीता जी, मैं आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया, आपको अपने रंग में रंगने के लिए। हैप्पी होली। हमारे साथ होली नहीं खेलोगे? खेली तो थी, भूल गए? कब? याद दिला। अरे अभी कुछ देर पहले खेली तो थी। खोला। याददाश्त कमजोर हो गई पृथ्वी जी। प्रीता जी, आप एक काम कीजिए, इसी गुलाल से आप इनको टीका लगा दीजिए, कहीं ये ना हो ये भी भूल जाए कि आपके साथ होली खेली थी या नहीं। ये पत्थर किसने फेंका है? मारो पत्थर उसको। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। जाने से पहले हमारी साड़ी पहनने का कारण तो पूछती जाइए। मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानने को तैयार हूँ बेटा। और आज खुद वो अपने हाथों से हमें मंगलसूत्र भी पहनाने वाले हैं दुर्गा जी।
मौत के बाद संभल जाएगा अग्रवाल परिवार या अंदेशा है ये किसी नए तूफान के आने का। साहिल, कोई मिसेस अस्ताना नाम की औरत है, उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया है। आप ही की वजह से हुआ है। प्लीज मत बुलाना मुझे इस नाम से। क्या बचा पाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। आप बहुत अच्छा लगेगा, देखिए जूते भी मैच करते। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद। हाँ, क्योंकि आप अपने कपड़े नहीं देख सकते ना, दूसरे देखते हैं। आप जो पहनो वो कंफर्टेबल तो होना चाहिए, पर दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। कुंवर रानी साहब, ये लीजिए, होली का जलाकर होली की शुरुआत कीजिए। आइए दादी माँ, पूजा शुरू करते हैं। रुकिए रानी माँ। माफ कीजिए रानी माँ, लेकिन आप ये पूजा नहीं कर सकती। तब वेदांत को भी ये बात समझनी होगी कि जिस परिवार को वो अपना कहते हैं उन्हें बस वेदांत की जरूरत है। परवाह नहीं, मुझे वेदांत को यहां से लेकर ही जाना होगा। देशमुख परिवार की एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इल्जाम उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर ले लिया। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार आदमी कौन है। केशव के एक्सीडेंट में जिस इंसान की मौत हुई थी उसकी मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मल्हार को कार एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। अपने आप को भाग के लाती है ना,